के बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फैसला मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला तहरीक इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए। वकील पीटीआई लतीफ़ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दो दरख्वास्तें दायर की हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले को मुअत्तली की सदा की गई है, मजीद जानेंगे नुमाइंदा जेएनएन इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह बताइएगा। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में भी तौहीन अदालत दायर कर रखी है, वकील लतीफ़ खोसा की जानब से कहा गया, जबकि दोनों दरख्वास्तों के बारे में आपसे से मालूम हासिल कर लेते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक की जानब से ये हमारे सामने आए, जबकि वकील शहबाज खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर मेरे स्टाफ से फाइल छीन ली गई, धमकाया गया और ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखा जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क की है, जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कोई आईनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए, ये तो इंसाफ से रसाई से इनकार है। और वकील लतीफ़ खोसा ने मौके से इनकार किया, जबकि जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा कि अंदर संजीदा इल्जाम अगर प्रबंध केस जमा होता तो आज इतनी इमरजेंसी ना होती, वकील लतीफ़ खोसा की जानब से कहा गया, जबकि 11 बजे तक काफी से मालूमात आने पर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।